मॉर्निंग लेडीज एंड बॉयज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं, आई मीन मेरे दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बीच में सेकंड वेव कोविड की आ रही थी तो हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज माई डॉक्टर ऑब्वियसली। बट नॉनetheless हम लोग अभी वापस आ चुके हैं। यू बेस्ट बिलीव बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है, फिटनेस, स्नीकर्स, कार्स, ट्रैवल अभी नहीं हो सकता, बट एवरी थिंग इन बिटवीन यू विल बी वॉचिंग इन दिस चैनल। एंड स्पीकिंग ऑफ स्नीकर्स, आई थिंक पिछले दो महीने में मैंने कुछ 30 या 40 नए स्नीकर्स खरीदे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड टू बिगिन विद आई विल शो यू वन स्नीकर इन दिस वीडियो एज वेल, व्हिच इज दिस रीबॉक का बॉक्स जो मैंने अभी तक खोला नहीं है। मैं आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, सो लेट्स गो। सो लिटिल शॉर्ट स्टोरी, मैं रीबॉक बहुत ज्यादा पहनता था जब मैं स्कूल में हुआ करता था, बट उसके बाद रीबॉक चेंज हो गया था, आई थिंक लोगो चेंज हो गया था, आई स्टॉप लाइकिंग रीबॉक। बट अभी मैंने फिर से रीबॉक लेना स्टार्ट किया है, रीबॉक क्लासिक एक्चुअली। और ये जो जूता है आपको थोड़ा सा आउटरेजियस लग सकता है, बट दैट्स माय काइंड ऑफ पर्सनालिटी। इसका नाम है रीबॉक इंस्टा पंप फ्यूरी। ओके तो ये है इसका बॉक्स और लेट्स अनबॉक्स इट टुगेदर। चेक दिस शू आउट, इसके ऊपर लिटरली इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई है। दीज आर कॉल्ड इंस्टा पंप फ्यूरी। अगर आपको नहीं पता है, ये 80s का स्टाइल था एक्चुअली, जो अभी फिर से रीलॉन्च होने लगा है जब से एडिडास का और रीबॉक का कलेबोरेशन था। आई मीन एडिडास ने रीबॉक को खरीद लिया है, दैट्स व्हाई इनके डिजाइन वगैरह सब बेटर हो रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्नीकर। ओके अभी के लिए स्नीकर्स के लिए इतना ही। अच्छा तो प्लान ये है कि जितनी भी आगे वीडियोस आने वाली होंगी उन सब में मैं आपको एक स्नीकर दिखाया करूंगा हर वीडियो में। मैं डेडिकेटेड स्नीकर वीडियोस नहीं बताता, क्योंकि मैं एक स्नीकर चैनल नहीं हूँ, आई एम अ ब्लॉगिंग चैनल। सो इसलिए मैं आपको जो भी मेरे आसपास कॉन्टेंट होगा वो सब दिखाऊंगा, स्नीकर्स, फिटनेस और उसके अलावा जो भी दिन में चल रहा होगा, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड। एंड फॉर नाउ स्नीकर्स करते हैं साइड पे। ओके टॉकिंग अबाउट द कार, सो दिस इज द लैम्बोर्गिनी एसटीओ हुरकान, जो कि अपनी एक लास्ट काइंड की रेस कार है। एंड वी आर इनवाइटेड फॉर द इवेंट, इनफैक्ट आस्था इज इनवाइटेड फॉर द इवेंट। सो सिर्फ दो लोगों को बुलाया है दिल्ली में से, दो इंस्टाग्रामर्स है, वन इज आस्था, देयर इज अनदर गाय, और मैं खाली साथ में टैग अलोंग हो रहा हूँ, यू नो व्हाई। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, जनरली मैं बहुत ही कैजुअल ड्रेसअप होता हूँ, मुझे फॉर्मल्स और सेमी कैजुअल ड्रेसअप होना पसंद नहीं है। यू विल मोस्टली फाइंड मी इन शॉर्ट्स और टी-शर्ट्स और टी-शर्ट्स एंड जॉगर्स एंड स्नीकर्स, बट इस इवेंट के लिए यू हैव टू ड्रेसअप अ लिटिल क्लासी, सो आई एम गोना गो ड्रेसअप अ लिटिल क्लासी। एंड स्पीकिंग ऑफ कार्स, मैं दो महीने के बाद दिल्ली वापस आया हूँ, आई हैव बीन सुपर एक्साइटेड टू ड्राइव माई ओन कार विच इज द ऑडी, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिप इन द ऑडी। आई हैव बीन वेटिंग टू ड्राइव दैट कार, आई विल सी यू नाउ। ओके सो ये मेरा कहने का मतलब था कि यू हैव टू ड्रेस रियली क्लासी जब आप ऐसे इवेंट्स पे जाते हो। फैंसी इज द राइट वर्ड। स्टार्टिंग फ्रॉम द शूज, दीज आर कॉल्ड द चेल्सी बूट्स, ये मेरे फेवरेट टाइप के फॉर्मल शूज हैं, दीज आर फ्रॉम टॉप मैन लंडन। उसके बाद ये डेनिम्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा आई लव माई सेल्फ दीज रिप्ड स्किनी डेनिम्स। एंड फाइनली लाउड इन योर फेस बर्बरी हाउस चेक शर्ट, तो मैंने बोला था इवेंट ऐसा है यू हैव टू ड्रेस अ लिटिल एक्स्ट्रा लिटिल बूजी। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, अभी वेयरिंग दिस वॉच, दिस वॉच एंड एक्सरसाइजिंग विद द एलवी बैंड, सिंस वी आर फैशन चैनल एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आई एम नॉट समबडी हु टॉक अबाउट ब्रांड्स और फैशन लाइक दैट, बट फॉर नाउ लेट्स गो गेट इन द कार। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो मैं आ गया हूँ अभी अपनी गाड़ी में, आई एम ऑन माई वे टू पिक अप आस्था, शी इज वेटिंग इन नोएडा। वंस आई पिक हर अप, उसके बाद हमें जाना है सरिता विहार, लैम्बोर्गिनी दिल्ली। एंड वन थिंग मैं अभी से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मी एंड आस्था वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट कार्स एंड सुपर कार्स इन जनरल, सो हो सकता है कि हमारे आंसू निकल जाए इस गाड़ी को थोड़े देख के, बट या होपफुली वन डे यू विल सी अस इन दिस कार, नॉट दिस वन, ये 5 करोड़ की, ये औकात से बहुत बाहर है, बट मे बी सम सॉर्ट ऑफ लैम्बोर्गिनी। For now, after pick up Asta, I will see you once we reach Lamborghini Delhi. Peace.
gonna keep you all amazed. Send me your assassins. I know that I will never fail. What is happening guys? So हम लोग अभी हैं Lamborghini Delhi में क्योंकि आज है Lamborghini Huracan STO का लॉन्च इवेंट जो कि होने वाली है Huracan की लास्ट सक्सेस है. इसके बाद आई थिंक Lamborghini स्विचिंग टू ऑल इलेक्ट्रिक एमरो शो व्हिच इज अ रियली बॉम्बर पार्ट कैर इज द कम व्हाट यू वॉटिंग फॉर सीधी बाइक से कमिंग आफ्टर यू व्हाट यू नो दिस फॉर सेम एडवाइस से यू रनिंग आफ्टर यू You can see them all guys, मैं बस यहाँ पे बैठ के अभी इस गाड़ी को इस ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि या दीज आर एक्सोटिक्स दीज आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ कार्स यू कैन एवर गेट. आई डोंट नो ये क्या है मैन एंड कार्स आई वोंट से मैन दैट बी अ मेल शोविनिस्टिक बट हम लोगों को गाड़ी के साथ एक अलग ही एफिलिएशन होती है. आई वाज 28 व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट लग्जरी कार. दिस इज एक्सोटिक, दिस इज नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट. यू गाइस थिंक आई माइट बी फूलिंग बट या 5 साल में यू माइट सी मी ऑन दिस एंड या Cheers to life. The high stars running after you. Look down, you can see them all clear. Alright guys, so that was it for the Lamborghini Huracan STO's launch. ये Huracan last होने वाली है. Huracan की successor में उसके बाद सारी गाड़ियाँ electric हो जाएंगी. That was an amazing day. We had a great fun. I'm gonna go out. Never fail.